जमीन बेचकर बिना किसी छुट्टी के रोजाना लोगों का पेट भरने वाले चंडीगढ़ के लंगर बाबा को केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की। उम्र में 85 बसंत देख चुके जगदीश आहूजा को लोग प्यार से लंगर बाबा के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, पुरस्कार की घोषणा के बाद जगदीश आहूजा का कहना है कि पद्मश्री की जगह उनका इनकम टैक्स माफ कर दिया जाए, जिससे कि हमेशा जरूरतमंदों को खाना मिलता रहे और कोई भूखे पेट न सोए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जगदीश आहूजा की पूरी कहानी। बता दें कि पीजीआई चंडीगढ़ के सामने बीते 39 साल से जगदीश आहूजा लगातार लंगर लगा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी कई प्रॉपर्टियां तक बेच दी। उनका कहना है कि लंगर सेवा करके उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। पद्मश्री की घोषणा के बाद बातचीत में जगदीश आहूजा ने बताया कि पटियाला में उन्होंने गुड़ और फल बेचकर अपना जीवन यापन शुरू किया था। 1956 के लगभग 21 साल की उम्र में चंडीगढ़ आ गए। उस समय चंडीगढ़ को देश का पहला योजनाबद्ध शहर बनाया जा रहा था। यहाँ आकर उन्होंने फल की रेहड़ी किराए पर लेके केले बेचने शुरू किए। उन्होंने बताया कि मुझे याद है कि चंडीगढ़ में आने के दौरान शायद 4 रुपये 15 पैसे में हाथ में थे। यहाँ आकर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि मंडी में किसी ठेले वाले को केला पकाना नहीं आता। पटियाला में फल बेचने के कारण मैं इस काम में माहिर हो चुका था। बस फिर मैंने काम शुरू कर दिया, मेरी किस्मत चमक उठी, मैं अच्छे पैसे कमाने लगा। जगदीश आहूजा अब सेक्टर 23D में रहते हैं। लंगर वाले बाबा ने बताया कि जब लोगों को भूखे पेट सड़क पर देखता हूँ तो बेचैनी सी होने लगती थी। अपने बेटे के 8वें जन्मदिन पर मैंने 100 से 150 बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया। लगभग 18 साल तक सेक्टर 23 के घर के पास लंगर चलाया। उसके बाद 2001 से पीजीआई के बाहर हर दिन लंगर लगाने लगा। यह उत्तर भारत के दूरदराज इलाकों से आने वाले सैकड़ों मरीज व उनके परिजन आसानी से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मुझे इस बात का सुकून मिलता है कि मेरी वजह से किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता। दोस्तों, जगदीश आहूजा बताते हैं कि आज वह भले ही सफल व्यवसायी हैं, लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं रहा। 1947 में अपनी मातृभूमि पेशावर से बचपन में विस्थापित होकर पंजाब के मानसा शहर आ गए थे। उस समय उनकी उम्र करीब 12 वर्ष थी। वे बताते हैं कि इतनी कम उम्र में ही उनका जीवन संघर्ष शुरू हो गया। उनका परिवार विस्थापन के दौरान गुजर गया। ऐसे में जिंदा रहने के लिए रेलवे स्टेशन पर उन्हें नमकीन दाल बेचनी पड़ी ताकि उन पैसों से खाना खाया जा सके और गुजारा हो सके। कई बार तो बिक्री ना होने पर भूखे पेट ही सोना पड़ता था। वह दिन याद आता है तो लगता है किसी को अपने सामने भूखा नहीं रहने दूंगा। चंडीगढ़ में हालात सुधरे तो वर्ष 1981 में चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने लंगर लगाना शुरू किया। लोगों को भोजन करवाने की प्रेरणा उनकी दादी माई गुलाबी से मिली, जो गरीबों के लिए अपने शहर पेशावर जो पाकिस्तान में है लंगर लगाया करती थी। वर्तमान में इस काम में उनकी पत्नी निर्मल भी पूरा सहयोग करती हैं। लंगर बाबा में लोगों को सात्विक भोजन देते हैं और हलवा और फल के अलावा दाल चावल सब्जी रोटी भी लंगर में वितरित करते हैं। बच्चों के प्रति आहूजा को काफ़ी लगाव है। उनकी पत्नी निर्मल बच्चों के गुब्बारे टॉफे बिस्किट और अन्य उपहार भी बांटती हैं। उन्होंने बताया कि मुझे मांसाहारी भोजन देखकर काफ़ी घृणा होती है,